भारतीय इतिहास में कई हिंदू रानियों और स्त्रियों के जौहर करने और सती होने का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु होने पर स्वयं के भी प्राण त्याग दिए। आज के इस वीडियो में हम आपको एक मुस्लिम सहजादी की कहानी बताने जा रहे हैं, जो एक हिंदू ब्राह्मण के लिए सती हुई और बन गई हिंदुओं की कुलदेवी। यह कहानी है 15वीं सदी के मांडू सल्तनत की, जो आज के मध्य प्रदेश के धार जिले में थी। इस सल्तनत के सुल्तान थे नसरुद्दीन खिलजी। इसी मांडू सल्तनत के अंतर्गत आता था मनावर का क्षेत्र, जहां तोजी यानी टैक्स वसूली का जिम्मा था गोविंद राम मंडलोई का। गोविंद राम मंडलोई सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी के लिए काम करते थे, जिनका काम था मनावर क्षेत्र का सारा टैक्स जमा करके सुल्तान के खजाने में जमा करना। एक दिन गोविंद राम बैलगाड़ी पर टैक्स की रकम लेकर सुल्तान के महल जा रहे थे, तभी रास्ते में दो शेरों ने गोविंद राम पर हमला कर दिया। वीर गोविंद राम खजाना छोड़कर भागे नहीं, बल्कि दोनों शेरों को भगाने के बाद खजाना लेकर सुल्तान के दरबार पहुँचे। जल्द ही गोविंद राम की वीरता का यह किस्सा सुल्तान नसरुद्दीन तक पहुँचा। गोविंद राम की वीरता पर सुल्तान बेहद खुश हुए और राज दरबार में गोविंद राम को सम्मानित भी किया। यही वह अवसर था जब सहजादी जेतुनिसा ने गोविंद राम को पहली बार देखा। मजबूत और सुंदर कदकाठी के गोविंद राम को देखते ही जेतुनिसा मोहित हो गई और गोविंद राम पर अपना दिल हार गई। अब गोविंद राम के प्यार में पड़ी जेतुनिसा ने अपनी दासी के हाथों गोविंद राम के लिए प्रेम पत्र भिजवा दिया। जेतुनिसा के मन में गोविंद राम के लिए उमड़े प्यार की खबरें जल्द ही चारों तरफ फैलने लगी। सुल्तान नसरुद्दीन को भी जब इसका पता चला तो उन्होंने बेटी को खूब समझाया, लेकिन गोविंद राम के प्यार में पड़ी जेतुनिसा ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। आखिरकार थक हार कर सुल्तान ने गोविंद राम को बुलाया। गोविंद राम ने भी अपनी मजबूरी गिनाते हुए कहा, यहाँ के जैसी सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा, लेकिन जेतुनिसा ने तो फैसला कर लिया था कि शादी ना हुई तो गोविंद राम की तलवार से विवाह कर लेगी और फिर आजीवन उस तलवार को ही अपना पति मान कर रहेगी। आखिरकार जेतुनिसा का प्यार जीत गया और दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। अब अगर आपको यह जानना है कि गंधर्व विवाह क्या होता है, तो ऊपर दिए आई बटन में क्लिक कर आप हिंदू धर्म के आठों प्रकार के विवाह को जान सकते हैं। फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जेतुनिसा और गोविंद राम की शादी के बाद जेतुनिसा का नाम रखा गया बेसर बाई, लेकिन पुत्री मोह में सुल्तान नसरुद्दीन ने विवाह से पहले शर्त रखी थी कि जेतुनिसा विवाह के बाद भी उनके महल में ही रहेगी। सहजादी ने भी यह शर्त मान ली थी और शादी के बाद भी वह सुल्तान के महल में ही रही। विवाह के कुछ दिन बाद गोविंद राम मनावर लौट गए, जहां दुर्भाग्यवश सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय सर्पदंश से मौत होने पर हिंदुओं में भी शव को दफनाने की प्रथा थी। आज भी कुछ जगहों पर यह प्रथा देखने को मिलती है। गोविंद राम को जब दफनाया गया तो कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी कि मुस्लिम सहजादी से धर्म बदल कर विवाह करने के कारण गोविंद राम को दफनाया गया है। इसी बीच पति की मौत की खबर बेसर बाई तक पहुंची, तो वह अपने घोड़े पर सवार होकर तुरंत मनावर पहुंच गई। मनावर पहुंचकर बेसर बाई ने सुहागिनों की तरह 16 सिंगार किए और फिर सती होने के लिए चल दी। लोगों को जब यह पता चला तो वह उन्हें रोकने आ गए। तब बेसर बाई ने गोविंद राम से हुए गंधर्व विवाह की बात बताई। बेसर बाई ने गोविंद राम के घर वालों से उनकी पगड़ी मांगी और मान नदी के किनारे पहुंच गई। मान नदी के किनारे तमोली जाति की एक महिला रहती थी, जिसने चिता के लिए लकड़ी की व्यवस्था की। जब यह महिला चिता जलाने के लिए आग लेकर आई तो बेसर बाई ने मना कर दिया। कहते हैं कि बेसर बाई ने अपनी योग अग्नि से चिता जलाई और सती हो गई। मंडलोई समाज के लोग बताते हैं कि सती होने से पहले बेसर बाई ने कुछ नियम कायदे बताए थे। मंडलोई समाज में आज भी इन नियमों का पालन होता है। मनावर में श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में
आज भी बेसरबाई का सती स्तंभ लगा है। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ किताब के लेखक इतिहासकार आंद्रे त्रसचके ने लिखा है कि औरंगजेब को जब पता चला कि सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह एक हिंदू से किया था, तो उसने गुस्से में आकर सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी की कब्र तोड़ दी थी। लेकिन बेसरबाई के सती स्तंभ को तब मंडलोई समाज ने औरंगजेब की नजरों से बचा लिया और आज भी बेसरबाई का यह सती स्तंभ अपने मूल स्वरूप में ही है। उस दौर में मुस्लिम शासन होने के कारण किसी ने भी बेसरबाई के इतिहास को लिखने की हिम्मत नहीं दिखाई। बाद में जब मनावर ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के क्षेत्र में आया, तब बेसरबाई की कहानी को इतिहास में स्थान मिला। आज भी मंडलोई समाज के लोगों ने बेसरबाई की हर सीख को याद रखा है। बेसरबाई अपने घोड़े पर सवार होकर सती होने आई थी। उन्होंने कहा था कि समाज के पुरुष सिर्फ घोड़ी पर ही बैठेंगे। आज भी इसका पालन होता है। नवरात्र के महीने में बेसरबाई को लपसी यानी गेहूं के आटे का हलवा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है और किसी भी मांगलिक कार्य में कुलदेवी के रूप में बेसरबाई को भी निमंत्रण दिया जाता है।